पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के संयोजन में शहर की विभिन्न आवासीय कॉलोनी और क्षेत्रीय सिंधी पंचायतों, सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों के आपसी सहयोग से 9वां झूलेलाल जयंती महोत्सव 13 मार्च से 28 मार्च तक बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। 23 मार्च को चेटीचंड के पावन पर्व के साथ वीर सपूत हेमू कालानी के जन्म का 100वां जयंती दिवस भी है। अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि 16 दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक सिंधु रत्न सम्मान, सिंधी व्यंजन, नृत्य गायन, लाडा, खेलकूद, झूलेलाल बनो प्रतियोगिता, प्रभात फेरी, दीपदान, हवन मुंडन, जनेव पंचायत का विमोचन, चेटीचंड मिलन समारोह, दरियाई पूजन, चिकित्सा और रक्तदान शिविर, चेटीचंड शोभा यात्रा, जुलूस का मार्ग में जगह जगह स्वागत और झूलेलाल छठी सहित रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। अजमेर की कॉलोनी पंचायतें संस्थाएं मिलकर अपने कार्यक्रम और दिनांक समिति को देंगी, उसके बाद पूर्ण कार्यक्रम जारी किया जाएगा। विशाल वरुण अवतार झूलेलाल की 21 फुट के समक्ष धर्मध्वजा पूजन के साथ 13 मार्च को शाम 5 बजे धार्मिक आयोजन संत महात्माओं की उपस्थिति में किया जाएगा। महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थाणी ने बताया कि पखवाड़ा कार्यक्रम में पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति द्वारा आयोजित चेटीचंड महोत्सव 2023 के अवसर पर शहर के विभिन्न संगठनों में 5 सम्मान प्रत्येक कॉलोनियों में दिए जाएंगे, जिसमें मास्टर चंद्र सम्मान, 60 वर्ष से अधिक सेवा के क्षेत्र व सामाजिक कार्यों से जुड़ा पुरुष महारानी लाडीबाई सम्मान, सेवा के क्षेत्र और सामाजिक कार्यों से जुड़ी महिला हेमू कालानी युवा सम्मान, सेवा के क्षेत्र और सामाजिक कार्यों से जुड़ा युवा संत कंवरराम बाल सम्मान, सिंधी भाषा गीत संगीत में उत्कृष्ट बालक भगवती नवानी बाल सम्मान, सिंधी भाषा गीत संगीत में उत्कृष्ट बालिका को क्षेत्रीय पंचायत की ओर से प्रदान की जाएंगे। आज बैठक में जीडी वृंदानी, नरेश सानी भगत, जगदीश अभिचंदानी, जोधा टेकचंदानी, लाल नथानी, रमेश मंगानी, हरीश वरियानी, प्रकाश जेठरा, ओम प्रकाश, हीरा नंदानी, जयप्रकाश मंगानी, गुरुमुख शिवनानी, घनश्याम दास टहलियानी, मंगाराम बिरयानी, जयकिशन वतमानी, एम टी वाधवानी, नरेश भाटी, के टी वाधवानी, हरिराम कोटवानी, नरेश बागवानी, दीपक साधवानी, जयकिशन लखियानी, मीना खेमानी, वर्षा मूलानी, कंचन अरवानी, माला टेवानी, कमला विदानी, आशा किसवानी, भगवान साधवानी, वासुदेव सोनी, दिलीप मुरानी, गिरीश लालवानी, राजा सोनी, गौरव मीरवानी, लक्ष्मण दास लख्यानी, राम बलवानी, गोविंद पारवानी, प्रकाश शबलानी, अजित पमनानी, रमेश के लालवानी, घनश्याम भगत, चंद्रप्रकाश रूपानी, उत्तम गुरुबख्शानी, कमलेश मानसिंगानी, देवीदास साजवानी, कमलेश शर्मा आदि उपस्थित रहे। झूलेलाल जयंती समारोह समिति की आज यहाँ पर होली मिलन व कार्यक्रमों को लेकर हमने यहाँ पर बैठक आयोजित करी। ये झूलेलाल जो समारोह समिति है इसके अंदर अजमेर की 33 संस्थाएं मिलकर 46 कार्यक्रम करने जा रही है। 13 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे जो 13 तारीख से लगातार 28 तारीख तक रहने वाले हैं। इस कार्यक्रम की जो शुरुआत 13 तारीख को धर्मध्वजा के प्रारंभ से, जो 21 फुट की जो झूलेलाल की मूर्ति है उससे प्रारंभ होगी। 13 तारीख को ये कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। चेटीचंड की अलग अलग संस्थाएं, चाहे वो आदेश नगर की संस्था हो, चाहे वैशाली नगर की संस्था हो, चाहे पंछी की संस्था हो, चाहे आशागंज की संस्था हो या अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सभी मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करती हैं। बड़े कार्यक्रम इसमें जवाहर मंच पर भी बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। सिंधी संस्कृति सभ्यता को बचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके अंदर जो खान पान को लेकर, ब्लड डोनेशन, सेवा के कार्यक्रम, हमारे पल्लव, हमारे झूलेलाल के जितने उत्सव मनाए जाते हैं, और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से जो हम लोग समाज एकजुट होकर सारे कार्यक्रमों को शहर में प्रसारित करने का कोशिश करता है। शहर का ऐसा कोई कोना नहीं रहता है, शहर की दशम दिशाओं में, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, सभी दिशाओं में जाके कार्यक्रम करते हैं। कई सारी खेलकूद की प्रतियोगिताएं रखी गई है, सिंधु रत्न का सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। इन कार्यक्रमों के अंदर बड़े आयोजन किए जाते हैं जो शहर के अंदर सिंधी संस्कृति और सभ्यता को जोड़ने के लिए हरी कार्यक्रम दिन झूलेलाल समारोह समिति बैनर तले 33 संस्थाओं के सहयोग से कार्यक्रम को आयोजित किया। डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, पंचकर्म, वित्त कर्म, अग्निकर्म और मर्म, चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्य वस्ते, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए डॉक्टर शालिनी मल्टीकेयर आयुर्वेद क्लिनिक,
महाबोधि स्कूल के पास गौतम नगर अजमेर। फोन नंबर है 8290277788। थेरेपीज द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा, जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज़ अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी।